आखिर क्या कर दिया ऐसा अभिषेक और ईशा ने कि प्रियंका और अंकित के फैंस इन पर जमकर भड़क रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर प्रियंका और अंकित के फैंस यानी कि प्रियंकित ने जंग छेड़ दी है, जिसमें कि वो काफी तेजी से भड़क रहे हैं ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के ऊपर। दरअसल हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हो रही है। ये क्लिप लाइव फीड की है, जिसमें कि तहलका, अभिषेक और ईशा एक साथ बैठे हुए नजर आए हैं, जहां पर एक कॉन्वर्सेशन होती है ईशा और अभिषेक के बीच में, जहां अभिषेक ईशा से कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जब हम लोग इस घर से बाहर निकले उस वक्त तुझे मुझसे प्यार हो जाए और मेरे दिल में तेरे लिए कोई प्यार ही ना रहे। तो इस पर ईशा जवाब देती है कि अरे नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपने लव लाइफ में फुल स्टॉप लगा लिया है, अब मुझे प्यार व्यार के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अब इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक ईशा से कहते हैं कि अरे हमारे बंदे आए तो थे इस शो पर, वो यहाँ पर प्रियंका चौधरी और अंकित की बात करते हैं जिनके साथ कि उन्होंने उडारिया शो किया था। वहीं पर ईशा जवाब देती है, हाँ मैं प्रियंका से मिली थी और उसने मुझे कहा था कि उन्होंने ये सब चीज़ें गेम के लिए की है और वो भी कोई रियल नहीं थे। बस इसी बात से प्रियंका और अंकित के फैंस भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खड़ी खोटी सुना रहे हैं ईशा मालविया को। वेल, आपको बता दें कि ईशा मालविया काफी बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, जिसको कि कवर अप करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब वो बिग बॉस के घर में आई तो उन्होंने कहा अभिषेक के साथ उनका कोई रिलेशन ही नहीं था। इसके बाद घर के अंदर आने के बाद लोगों के सामने ईशा की पोल पट्टी खुल गई। इसके बाद इन्होंने अब दोबारा कहा है कि मैंने तो अपने लव लाइफ में फुल स्टॉप लगा लिया, और वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली है उनके एस पर द सोर्सेस प्रेजेंट बॉयफ्रेंड समर जुरेल ने। वेल, आपको बता दें कि प्रियंका और अंकित के फैंस उनके सपोर्ट में हैं और ईशा मालविया को झूठी का नाम दिया है उन्होंने। यहाँ पर एक यूज़र ने कमेंट किया है कि प्रिया अंकित जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये झूठी लड़की है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि प्रियंकित इज रियल, हमें प्रियंकित पर प्राउड है। वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया है कि प्रियंकित इज रियल, ईशा को बोलो झूठ बोलना बंद करे, वो तो प्रियंका से बाहर मिली भी नहीं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि ईशा बहुत ही ज्यादा झूठ बोलती है। वेल, ऑडियंस ने देखा ही है कि ईशा किस कदर झूठ बोलती है और हमेशा उनका झूठ पकड़ा भी जाता है। ऐसे में अब घर में एंट्री मार ली है समर जुरेल ने, तो अब ये गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखने में मज़ा आएगा कि ये लव ट्रायंगल क्रिएट होगा या फिर अभिषेक की पजेसिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बन जाएंगे लाइट कबीर सिंह, जैसे कि सोशल मीडिया पर उनको नाम दिया गया है। वेल, इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।